अब इस बुढ़ापे में हम दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, कोई दिहाड़ियाँ लगती हैं कोई नहीं लगती। भाई सोचते हैं हमको भाई मिल जाए, वही मदद है बस, लड़का मिल जाए तो मांगेंगे उससे जो सबको देने वाला है, जो दाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर ट्रिब्यून और मैं हूँ आपका मेज़बान जान मोहम्मद। नाज़रीन इस समय हम मौजूद हैं श्रीनगर के लाल मंडी इलाके में कि इनका एक बेटा है जो पिछले 8 महीनों से गायब है। मेंटली वो अनसाउंड है, दिमागी तौर जो उसकी जो उसका तवाजुन है वो सही नहीं है। और इस हवाले से गई थी पटन पुलिस स्टेशन में भी, इन्होंने जो है एक रिपोर्ट दर्ज कराई है। हमारा बच्चा मोहम्मद शफी, मेरा नाम है अब्दुल गनी, हमारा बच्चा 8 साल से डिप्रेशन में है, 8 महीने से गुम हो गया है, 8 साल से डिप्रेशन में है, दिमागी तवाज़ुन खो चुका है। तो मैं इस वक्त श्रीनगर पूरी को छांट के आ गया हूँ, आदरा इंसानियत के नाते ये बच्चा 26 साल का है, अगर किसी अदरात को भी नज़र पड़ती है तो आदरा इंसानियत के नाते पटन पुलिस स्टेशन को ग्रेट स्टेशन निहालपुरा से रब्ता करके तो आप हमें पता दीजिए, आपकी मेहरबानी होगी। हम तो घूम गए, मतलब 8 महीने से हम इसको ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ श्रीनगर आप आज कैसे, आपको कुछ पता चला कि ये श्रीनगर में है? हमें किसी ने कहा था कि ये इधर है, सोनवार की साइड में कहीं घूम रहा था, तो इसीलिए हम सवेरे घर से निकले हुए हैं। अभी पूरा छांट के हम आ गए डल गेट होते हुए श्रीनगर लाल चौक पूरा, अभी इस वक्त हम LD के पास हैं। तो आप पैदल चल के आ रहे थे, पैदल क्यों चल रहे थे? पैदल, थोड़ा पैसे गरीब भी हैं थोड़ा, इसलिए चल के आगे, थोड़ा चलते चलते आगे फिर यहाँ बैठ गए। आगे गाड़ी में बैठने के लिए आपके पास पैसे नहीं थे? नहीं थे पैसे, जो किराया था आते समय लग गया, बहुत जगह घूमे ना, पटन से आए इधर उधर। ये लड़का आपका क्या लगता है? मेरा भाई है ये। तो दो लड़कियां हैं मेरी बस। आप क्या काम करते हैं? मैं बस ये मजदूरी करता हूँ यहाँ। तो आपने यहाँ में देखा, आपकी मेहरबानी है, आपने हमारी बेकसी को देख कर तो इस वक्त आपने गाड़ी हमारी सीधे हमारी तरफ लाई, हम तो परेशान हाल में बैठे हुए थे। आपका भी शुक्रिया और अल्लाह पाक का पहले शुक्रिया उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसके बाद आप गए थे कि आप आओगे। तो खाना खाया हमने, खाना खाया। आज बूढ़े हैं हम, वो आज अच्छा होता तो कमाता कुछ, हमारी भी बेकसी दूर हो जाती। अब इस बुढ़ापे में हम दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, कोई दिहाड़ियाँ लगती हैं कोई नहीं लगती। हम खाली भाई सोचते हैं हमको भाई मिल जाए, वही मदद है बस, लड़का मिल जाए तो वही मदद है हमारे लिए। कौन देगा? देने वाला तो ऊपर वाला है, रोज रोज कौन देगा, मांगेंगे उससे जो सबको देने वाला है, जो दाता है। तो आपसे भी गुजारिश है कि अज़रा इंसानियत, अगर इस बंदे को आप कहीं पे देखते हैं, आपसे गुजारिश है कि या आप कैप्शन में आपको फ़ोन नंबर देंगे, आप इनके साथ रब्ता कायम कर सकते हैं, या फिर आप जो है किसी भी पुलिस स्टेशन से रब्ता कायम कर सकते हैं अगर इस बंदे के बारे में आपको कहीं भी इल्मियत मिलती या कहीं से भी पता चलता है।